नहीं है ये होता है स्वैग, बिना नंबर प्लेट के चलाओ और जैसे मर्जी चलाओ, नो टेंशन, मॉडिफाई कर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मनोर, मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज है ट्यूसडे और फिलहाल पूजा करनी है, नवरात्रि अष्टमी है और यहाँ पे नवमी में कंजका होती है तो आज अष्टमी है। आज मेरा फास्ट नहीं है, बाकी घर में मोस्टली सबका फास्ट है और अष्टमी की पूजा करके कल नवमी की पूजा हुई तो कल कंजक भी बिठानी है, कल कंजक जिमाएंगे उसके बाद नवरात्रि नवमी के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो 9 दिन नवरात्रि चलते हैं। तो आज अभी फ़िलहाल पूजा करके चलते हैं ऑफिस और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, ऑफिस निकलते हैं और देखते हैं आज का क्या शेड्यूल रहेगा। एक दो जगह जाना है, 2-3 काम है, वहाँ चलेंगे और देखते हैं। धूप वूप आ गई, गर्मी हो गई, आज से गर्मी वापस चालू हो गई है, तो चलते हैं और बातचीत करते हैं। भाइयों अभी निकला था जरा किसी काम से और निकलना दिन में था, बट किसी रीज़न की वजह से मैं दिन में जा नहीं पाया, इसलिए अब इवनिंग के टाइम निकला हूँ और रास्ता देखता हूँ कितने टाइम लगेगा। थोड़ा ट्रैफिक तो लग रहा है, रोड पे है, इवनिंग का टाइम हो जाता है, लोग वापस आ रहे होते हैं ऑफिस वगैरह से, तो उससे थोड़ा सा रश हो जाता है। और यहाँ पहुँच के एक काम है, काम से फ्री होकर वापस जाना है ऑफिस, ऑफिस में कोई आने वाला है, थोड़ा टाइम वहाँ लगेगा, उसके बाद जाके फ्री होकर फिर घर जाऊँगा। तो आज मंगलवार ही है, पास वाले मंदिर में भी जाना, दर्शन करते हैं, वहाँ भी जाऊँगा। अभी मैं पहुँचा हूँ पंजाबी बाग, पंजाबी बाग का मेट्रो से आगे देखूँगा। और दोबारा तो वैसे आते हैं, और जाना नहीं दूर, भाई क्या हो गया। अच्छा जी, पुलिस वाले आज यहाँ खड़े हैं, पुलिस वालों की सरप्राइज दे रहे हैं भाई। मैंने रेड क्रॉस की वजह से कराया, ओवर स्पीडिंग वालों को पकड़ रहे हैं, तो क्या बात है, पता नहीं क्यों रोका हुआ है। और ये आ गया फेवरेट फ्लाईओवर, फ्लाईओवर की लेयर देख लो, एक नीचे एक इसके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर एक उसके ऊपर है, बड़ी तगड़ी लेयर है ये। मौसम बढ़िया है वैसे, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, करेटा वाले बस फैसिलिटी पकड़ लिया, और करेटा वाले क्यों रुक गया, तेरा तो लास्ट पार्टी नहीं काटे। रोड देखो ना कितना साफ सुथरा सा लग रहा है। फिलहाल मैं आ गया हूँ कहाँ पे, महाराजा का डॉक्टर से हॉस्पिटल से आ गया, थोड़ा बहुत दिख रहा है भाई, तो मुझे थोड़ा सा खींच के ले जाना पड़ेगा, इन तो बहुत ज्यादा जाम में फंसा ही रहूँगा। क्या हो गया स्कूटी मास्टर भैया, चला दो, क्या हो गया। बैठा वाले भैया रुक जाओ, ये देखो वरना भाई आगे भाई साहब नंबर प्लेट ही नहीं है, ये होता है स्वैग, बिना नंबर प्लेट के चलाओ और जैसे मर्जी चलाओ, नो टेंशन, मॉडिफाई करा रखे टायर वायर बढ़िया करा रखे, लास्ट लैप करा रखे हैं, नंबर ही नहीं है, चलान काट लो वहाँ से काट लो, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब रुकना पड़ेगा भाई, रैली लेट है ये तो, और लंबी लग रही है मुझे, वेट करो। चलो भाई चलते हैं, ग्रीन हो गई है, बस देख लो कितने स्कूटर बाइक वाले भाई साहब होल सेल में, हेलमेट ही हेलमेट दिख रहे हैं, वैसे तो रश इतना ऊपर से ना चलाने वाले बंदे, इतने चाहो तो आगे निकल सकते हो भैया, भाई साहब पीछे के तो आगे निकल जाओगे, तो ऐसे पीछे भी चल चलाओगे, मैं उन ट्रैफिक से आगे निकलने की कोशिश में हूँ भाई साहब, निकलने मुझे अब आते रहोगा, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक जाता है फिर आगे जाम लग जाएगा, तो बस उनसे तो आगे निकले ना भाई, जाम तो मिल नहीं है, जाम तो नॉर्मल की बात है, लेकिन कोशिश करो कम से कम मिले,
आगे से कोई ना कोई कट लेना पड़ेगा मेरे को। पहले भी कुछ पीड़ा वाली चौक से जाम बहुत लंबा होता है, जबकि मुझे जाना लेफ्ट है तो मैं क्यों जाम पर चलूँगा। मस्त बहुत होता है। अब स्पीड नॉर्मल कर लिया है, आगे दोबारा से रेड लाइट है तो बताने का तो कोई फायदा है नहीं, जब रेड लाइट ही है तो। लेकिन कोशिश कर सकते हैं लापता भाई जब तक मोटर तो ग्रीन हो जाए, तब तक नहीं रहा। हो जाओ यार ग्रीन भी हो जाओ भाई, तो नहीं चल रहा भाई, मुझे नहीं पता मैं निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। दोबारा रेड ना हो जाए, अभी तो रेड लाइट हो, नहीं तो बहुत दूर है भाई, अभी तो चले भी नहीं लोग, अभी तो टाइम लगेगा पूरा, लंबी लंबी रेड लाइट में फंस जाते हैं। अरे भाई चलो चलो जल्दी चलो, एक तो लाइन चल जाते हैं, कोई कोई लोग हैं जल्दी अंकल देखो कितनी तेज चला रहे हैं, ये उड़ाएंगे कादे को, अंकल ये चलाओ आप ये चलाओ इसी तेज में चलाओ, चलो भाई चलो। ओ भाई 15 सेकंड है ये तो रुकवा के मानेंगे अंकल, लोग चलते ही नहीं है धीरे धीरे आराम से चलते रहता है, क्या मैं घर नहीं पहुँचना जल्दी, घर पहुँचूंगा आराम से। हमारे पास भी एलईडी लाइट है, जो लोग पिपर मार रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ भाई एलईडी लाइट करवा रखते हो बढ़िया हुआ, पिपर दो जितने लेने। लेफ्ट का लेना पड़ेगा नहीं तो मैं जाम में फंस जाऊंगा बढ़िया वाले तरीके से। और भाई साहब ये लो, ये मेरे आ गई है इनोवा की वैन इनविक्टो सुजुकी की, जो कि इनोवा टोयोटा में आती थी सुजुकी की में भी आ गई है, सेम इनोवा है पूरी, अगर नाम इनविक्टो है, कॉपी है बिल्कुल ओरिजिनल, अंदर बाहर सीटिंग वीटिंग सब सेम है। ये तो तरीके हैं भाई सब सेम सेम गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। चलो भाई हम भाई पहुँचता हूँ ज़रा आगे, फिर बातचीत करते हैं, अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा मुझे पहुँचने में। भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री हो गया हूँ और अब वापस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, अभी ऑफिस में कोई आने वाला है, जल्दी से पहुँचना बहुत स्पीड से, लेकिन माहौल देख के अब का नहीं है, मैं स्पीड से पहुँचूँगा, आराम आराम से चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि पैक वाला सिस्टम लग रहा है यहाँ तो भाई, काम का सिस्टम लग रहा है थोड़ा। चलो भाई चलो रॉन्ग साइड, भाई एक तो सीधे जाने की जगह नहीं होती, रॉन्ग साइड वाले पहले आते हैं, पहले मैं रॉन्ग साइड चलाऊंगा, पहले मेरे को रॉन्ग साइड चलाने दो। अभी आ गया वही वाला जगह है, ये पतली सी जगह सिंगल लेन वाली, अंकल खींच लो थोड़ी सी यार, ट्रैफिक है ऊपर से, अंकल इतनी तेज चला रहे हैं एक आधा उड़ जाएगा मेरे को तो लग रहा है। अंकल आप तेज मत चलाओ, और अंकल भाई ये कहाँ से आ गए, करेटा वाले क्या चाहता है। अरे भाई और धीरे चला, आराम से लेट गया, हाँ पहले जाम लग रहा है, ये आराम से चलते रहते हैं, जाम लग रहा है, क्या कर रहा है ये i20 वाला भी बैठा हुआ है, लेके चलानी होती भाई। बंदे इतना आवाज़ करते हैं चलाने में, क्या ही बोले इनके लिए, तो ये
ये देखो भाई, रो उस साइड वाले को नहीं मांग सकते, कुछ नहीं कर सकते इनका, तो लगा है नहीं वो घुसे यार बीच में। यहाँ से राइट लेना है, गोल चक्कर है, ये देखो ऐसे आते हैं गोल चक्कर पे लोग नॉन स्टॉप वो भी स्पीड से। डिप्पर तो बनता है भाई, ये डिप्पर मार रहा था। अब लेना है लेफ्ट, ये तो पांच सीढ़ी हो गई एक तरीके से। ओहो कॉल कॉल ना आया था, हो सकता है कॉल तो आएगी, मेरे फोन के आगे कॉल नहीं आया, ऐसा हो सकता है। चलो जी पहले कॉल ही डन कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं राइडिंग। चलो भाई और निकल गया हूँ, कॉल अटेंड हो गई है। यहाँ पे यार आउटलेट एक से चंपन कर जाएगा, कभी कभी तो इन्हें आउटलेट में जाने का। यहाँ पे एक डोसा वाला आउटलेट है, कहाँ गया वो निकल गया है पता नहीं, आगे आएगा उसका डोसा खाना है एक बार। अंधेरा हो चुका भाई, टिप्पर सभी मज़ेदार लग रहे हैं। चलो भाई चलो, बढ़िया वाले डिप्पर मारा तुम चल नहीं रहे। अरे भाई वाले भैया क्या सोच रहे हो, नहीं जाना फिर कोई बात नहीं, जान दो कम बोल रहे आपको कर जाओ। अब आगे चलते हैं, ये आ गई है भाई, कौन सी आ गई है तो समझ ही नहीं आता। 40 का 8:30 है, 6:30 है पता नहीं। BMW है भाई साहब, आगे देखो ब्रेक लगी, प्यास सीट लग रही है, बढ़िया डिज़ाइन वाली लुक, बहुत प्यारी लगती है इसकी, तो मस्त गाड़ी है मस्त। ये आ गई ज्वाला आईडी मार्केट पश्चिम विहार, सब आइटम मिलेगी आपको, कुछ भी ले लो सारी आइटम मिल सकती है यहाँ पे। मैं लेफ्ट लेके चलूँगा, मैं नहीं जा रहा यहाँ से, सीधा मेन रोड पर निकलेंगे। अरे भैया क्या कर रहे हो रिक्शा वाले, आ जाओ बीच में आ जाओ, उड़ना ही तो है और क्या होगा, क्या से उड़ जाओगे। चलो भाई चलो खींच के, पार्किंग की वजह से जाम लग जाता है, अभी भी कोई एक आधा रॉन्ग साइड आने के मन में होगा। चलो भाई निकल गए आगे, बढ़िया होगा। और थार वाले रुक जा, थार बनाओ तेरी। चलानी पड़ती है, लोग चलाने नहीं देते, जबरदस्ती चलानी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। हटिया भाई हटिया, डिप्पर टाइम है, मजा आ रहा भाई। ऑटो वाले को देखो बड़े आराम से बीच में आया, पीछे वाला भी तो कोई वैल्यू नहीं होती, मम्मा जी घुस जाओ बीच में। चलो भाई ऑटो मास्टर आप किसके बीच में घुसना है, इस पर का मजा आया था भाई। डिप्पर का अपना ही मजा है, ज़्यादातर जाम ना ये पार्किंग की वजह से है, बस लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी है ऐसे कि निकल ही ना पाए भाई, ये बेचारे सूट वाले भाई साहब क्या जा रहे हैं।
लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, कहाँ जाना है? मेरी बाइक मिल जा रही है, मैं बिल्कुल ये देखो जी, जब मर्जी मोड़ देते हैं ये बाइक वाले, वैसे ढीले है ना, तो चमका के रखो तो चमकते हैं गाड़ी वाले, बीच में घुस जाते हैं। ये देखो, चलो यार ग्रीन भी होने वाली है, 20 सेकंड्स की बात है, आराम आराम से आगे चलता हूँ, तब तक तो ग्रीन हो ही जाएगी। चलो जी चलते हैं, ग्रीन हो गई, देखा रुकना नहीं पड़ा मुझे, बिल्कुल लग रहा टाइमिंग सही, मेरी बढ़िया है। अलग ही मज़ा आ गया। तो चलो यार अब पहुँचता मैं भी घर, ऑफिस ऑफिस में कोई आ रहा है, सब कॉल भी आ रही थी बीच में, तो जरा उनसे मिलता हूँ, काम से फ्री होते हैं तो फिर देखते हैं उससे क्या करना, मंदिर भी हो क्या है, फ्री होकर बातचीत करते हैं दोबारा। भाई वहाँ से आने के बाद कहीं और गया नहीं, मंदिर गया था, पास वाले मंदिर में गया था आज, और उसके अलावा ऑफिस गया था, ऑफिस से आके चाय पी के फिर मंदिर गया था, और मंदिर में दर्शन वगैरह करके और घर आ गया था, डिनर वगैरह किया है और बाइक वगैरह पार्क कर दिया, अब बस रेस्ट करना है, व्लॉग एडिट करना है, तो चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के नए बातों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपने ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।